हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल तेरी मेरी डोरिया में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। वीर और अंगद के ड्रामे में फंसेगी सीरत बुरी तरह से। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है सीरत अब इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि अंगद और साहिबा अलग हो चुके हैं, यानी एक साथ नहीं रहते। वहीं पर अब अंगद को चाहिए एक मॉडल और सीरत जानबूझकर यहां पर मॉडल बनकर पहुंचेगी उसके सामने और कहे यहां पर उसे ऑफर करेगी कि वो भी उसके लिए जो है मॉडल बन सकती है। देखने को मिलता है वहीं पर भी यहां पर अब सीरत की चालियां की को समझ चुका है। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने ही वाला है। इसलिए जानबूझकर साहिबा और अंगद के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर चुकी है, इसे वीर अच्छे से समझ जाता है। देखने को मिलता है वहीं पर अंगद भी अब सीरत के दिल में जो भी चल रहा है और ये जाने की कोशिश करेगा कि आगे साहिबा घर छोड़कर क्यों गई है। इसीलिए वो अब यहाँ पर ड्रामा करते दिखेगा कि भाई उसे ये जो साहिबा के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सब कुछ वो नाटक कर रहा है। देखने को मिलने वाला है कि इस चीज में अब सीरत काफ़ी कुछ साहिबा के बारे में उल्टा सीधा कहते नजर आएगी। अंगद को कह देगी कि भाई साहिबा को तुम्हारे होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो कोई दूसरा मिल चुका है, और उसके इजहार के बारे में भी कुछ कह देती है। यानी कि भाई तुम्हारे इजहार कहने से भी कोई भी साहिबा को क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अगर दिल की बात कह भी चुके हो तो भी उसे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद अंगद कहता है अच्छा तो तुम्हें कैसे पता कि मेरे इजहार करने से उसे फ़र्क पड़ता है या नहीं। और अंगद ये सब कुछ जान जाता है और देखने को मिलता है कि अंगद उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कह देता है कि तो सब मुझे पता था कि ये सब तुम ड्रामा कर रही थी, कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि साहिबा घर को छोड़कर क्यों गई है। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए कोई भी घटिया हरकत कर सकती हो, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। और यहाँ पर फाइनली अंगद के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है और अंगद के जाल में फंस कर सीरत ने सब कुछ बक दिया है। और इसी के साथ कहानी पूरी तरह से बदल जाने वाली है और अंगद खुद अब साहिबा को वापस घर लेने के लिए पहुँचेगा हॉस्टल।